हम स्कूल में जाते हैं कॉलेजेस में जाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं इससे हमें क्या पता चलता है तो हर एक सब्जेक्ट अपने में बहुत सारी इंफॉर्मेशन समेट के रखता है जो उसको पढ़ने पर हमें पता चलता है अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इससे हमें अपने पास्ट का अपने अतीत के बारे में पता चलता है कि अतीत हमारा कैसा था किस तरह की इवेंट्स हुए क्या क्या हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए तो इसके बारे में पता चलता है जियोग्राफी या भूगोल की बात करें तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं यहाँ की जमीन कैसी है यहाँ का टेम्परेचर कैसा है यहाँ का क्लाइमेट कैसा है ठीक है इन चीजों के बारे में हमें पता चलता है अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिक्स के बारे में पता चलता है कि पॉलिटिक्स क्या है किस तरह का स्ट्रक्चर है ठीक है लोकतंत्र राज है राजतंत्र है इन चीजों के बारे में हमें पता चलता है तो अगर वही हम मैथ्स की बात करें तो जो हमारी जो दैनिक जीवन में जो व्यापार है जो लेन देन है उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं तो मैथ्स हमारी लाइफ को और इजी बनाता है हमारी डेली लाइफ को इजी बनाता है साइंस की बात करें तो हर चीज के पीछे क्या लॉजिक है जो भी हम चीजें देखते हैं तो ये ये कैसे बनी ठीक है तो साइंस हर चीज के पीछे का लॉजिक हमें बताता है तो अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं इस सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं किस तरह का कल्चर है किस तरह की भाषा है लोगों की पॉपुलेशन कितनी है लोग कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग पढ़े लिखे नहीं है कितने लोगों के पास जॉब है कितने लोगों के पास जॉब नहीं है कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं कितने नहीं जा पा रहे कितने ट्वेल्थ पास हैं कितने ग्रेजुएट हैं कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं हमारी सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं तो अब अगर हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता करना है जानना है तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें अपनी सोसाइटी के बारे में बताता है हमें हमारी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही है उसको लेकर अवेयर करता है तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है वो है सोशोलॉजी समाजशास्त्र तो आज के इस वीडियो में हम सोशोलॉजी के बारे में जानेंगे समाजशास्त्र के बारे में जानेंगे कि सोशोलॉजी है क्या इसका कंसेप्ट क्या है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप बताइए वीडियो आपको कैसी लगी तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक को जानने वाले हैं समझने वाले हैं वॉट इज सोशलॉजी समाज शास्त्र क्या है और इस टॉपिक में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कंसेप्ट मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी समाज शास्त्र की अवधारणा अर्थ और महत्व तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी के बारे में समाज शास्त्र की अवधारणा सोशोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल रिलेशंस रिलेशन समाज शास्त्र संबंधों समाज का व्यवस्थित अध्ययन है तो जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं जब भी आप सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें आप सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे सोसाइटी से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे इसमें आप लिंग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे रिलीजन या धर्म के बारे में पढ़ेंगे आप कास्ट के बारे में पढ़ेंगे क्लास के बारे में पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो सोशलॉजी क्या है इसमें हम अपनी सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें किन किन चीजों की स्टडी की जा सकती है तो मान लो आप इंडियन सोसाइटी में रहते हो अगर हम इंडियन सोसाइटी की स्टडी करें तो क्या क्या चीजें हैं जैसे मैंने आपको अभी बताया आपको यहाँ का रिलीजन ठीक है यहाँ पे जो कास्ट है यहाँ पे जो क्लास है यहाँ पे जो पॉवर्टी है जो सोशल चैलेंजेस हैं कितने लोगों के पास जॉब है कितने लोग बेरोजगार हैं कितने लोग पढ़े लिखे हैं कितने लोग अनपढ़ हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास से आगे एजुकेशन नहीं ली कितने ऐसे ग्रेजुएट हैं कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं कितनों के पास पीएचडी है ठीक है तो हम इन्हीं चीजों की जो स्टडी है हम सोशलॉजी में या समाज शास्त्र में हम करते हैं ठीक है सोशलॉजी इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी कल्चर एंड रिलेशनशिप की समाजशास्त्र मानवीय समाज मानव द्वारा जो बनाया गया समाज है इसका कल्चर संस्कृति और जो सोशल रिलेशनशिप है सामाजिक संबंध इसका व्यवस्थित अध्ययन है इसमें लोगों के बारे में जो ह्यूमन सोसाइटी है इसके बारे में स्टडी की जाती है जो हमारे कल्चर्स है इसके बारे में स्टडी की जाती है कल्चर में चाहे लैंग्वेज आ गई चाहे खान पान आ गया चाहे पहनावा आ गया ठीक है इसकी स्टडी की जाती है और जो सोशल रिलेशनशिप है लोगों के आपसी जो संबंध है इसके बारे में स्टडी की जाती है ओके इन सोशोलॉजी एवरीथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी स्टडीज की समाज शास्त्र में समाज से संबंधित सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है तो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी चीज है जेंडर आ गया इसमें रिलीजन आ गया कास्ट आ गया कल्चर आ गया लॉस रूल्स कस्टम्स सोशल इंस्टीट्यूशंस स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी की जो समाज है ठीक है इसमें लोगों का जो रहन सहन कैसा है उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है जीवन स्तर कैसा है एजुकेशन सिस्टम हेल्थ तो इसमें लिंग धर्म जाति संस्कृति कानून नियम रीति रिवाज सामाजिक संस्थाएं समाज के लोगों का जीवन स्तर शिक्षा व्यवस्था स्वास्थ्य इन सभी चीजों का जो अध्ययन है स्टडी है हम किसमें करते हैं सोशोलॉजी में करते हैं तो फ्यूचर में आप जब सोशोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको सोशोलॉजी में यही सारी चीजें मिलेंगी ओके तो अभी तक हमने सोशोलॉजी के बारे में जाना सोशोलॉजी क्या है ठीक है हमने इसके कंसेप्ट के बारे में जाना अब हम बात करते हैं इसकी मीनिंग की इसके अर्थ की द वर्ड सोशोलॉजी इट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसस एंड ग्रीक वर्ड लोगस ठीक है तो जो सोशोलॉजी जो वर्ड है ये कहां से आया है दो लैंग्वेज से आया है ठीक है लैटिन का जो वर्ड है सोसस एंड ग्रीक जो वर्ड है लोगस इससे बना है तो अगर हम बात करें सोसस तो इसका मतलब है सोसाइटी एंड लोगस की बात करें ठीक है तो इसका मतलब है साइंस सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशोलॉजी कि समाज का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे हम कहते हैं समाजशास्त्र तो वैज्ञानिक अध्ययन या हम साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सोसाइटी के बारे में चाहे यहाँ की पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो चाहे जेंडर की स्टडी कर रहे हो चाहे रिलीजन की कर रहे हो चाहे कास्ट की कर रहे हो तो आप एक फैक्ट के आधार पर आप कर रहे हो आप जो भी चीजें स्टडी कर रहे हो उसके पास उसका आपके पास प्रूफ होता है तो आपकी जो भी स्टडी है वो साक्ष्यों के आधार पर है प्रूफ के आधार पर है कल को आपसे कोई पूछ ले कि हाँ आपने आ, आपको कैसे आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में इतने रिलीजन के लोग रहते हैं तो आपके पास उसका डाटा होगा तो जो भी ये स्टडी है सिस्टमेटिक स्टडी है और इसलिए इसको हम साइंटिफिक स्टडी भी कहते हैं क्योंकि ये जो भी स्टडी की जाती है ठीक है ये एक तर्क के आधार पर की जाती है एक प्रूफ के आधार पर की जाती है तो इसलिए हम इसको साइंटिफिक स्टडी कहते हैं ठीक है वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं ओके अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें सोशोलॉजी के तो फर्स्ट बाय फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्ट ठीक है इन हिज स्पीच इन 1837 की जो समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ऑगस्ट कॉम्ट ने अपने भाषणों में 1837 में किया था और ऑगस्ट कॉम्ट को हम क्या कहते हैं फादर ऑफ सोशोलॉजी तो फ्यूचर में कभी भी कोई एग्जाम दो उसमें अगर क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फादर ऑफ सोशोलॉजी ठीक है कि uh, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो क्या कहोगे आप ऑगस्ट कॉम्ट कि इनको समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हुड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की ठीक है कोई आपसे पूछे कि अच्छा आप दिल्ली में रहते हो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी आपने कह दिया कि दिल्ली की पॉपुलेशन तीन करोड़ है थ्री करोड़ है तो कैसे आप कहोगे थ्री करोड़ है कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा ना तो जो ये प्रूफ है सोसाइटी की जो हम इस इसमेटिक स्टडी कर रहे हैं तो ये सिस्टमेटिक या साइंटिफिक स्टडी जो है प्रूफ बेस्ड जो स्टडी है इसी को हम क्या कहते हैं सोशोलॉजी या समाज शास्त्र अगर हम बात करें अब इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी समाज शास्त्र का क्या महत्व है जब हम अपने सोसाइटी के बारे में और डीप में जानते हैं इसको और अच्छे से जानते हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इस सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या महत्व है सोशोलॉजी स्टडीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कि समाज शास्त्र व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में जो सामाजिक संस्थाएं हैं इसके महत्व का अध्ययन करता है तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन है कौन कौन से हैं स्कूल हो गया कॉलेजेस हो गए यूनिवर्सिटी हो गई इसके अलावा चाहे हम अगर बात करते हैं यूजीसी हो गया नैक हो गया एनसीटी हो गया सी हो गया तो इस तरह के जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, इसका जो इंडिविजुअल है व्यक्ति के विकास में इनका क्या महत्व है इस चीज की स्टडी करता है हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो ये हम देखते हैं कि इसके थ्रू जो किसी भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको एजुकेशन मिलती है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन, बढ़ते हैं बनते हैं उनको उनकी जो नॉलेज है स्किल है वो डेवलप होती है और आगे चलकर वो एक अच्छा इंसान बनते हैं और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं ठीक है तो इसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल डेवलपमेंट में इस चीज की स्टडी की जाती है द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इज ऑल्सो इसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड प्लानिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट कि समाज को समझने और सामाजिक विकास की योजना बनाने में समाज शास्त्र अध्ययन जरूरी है अगर आपको किसी भी सोसाइटी के बारे में जानना है समझना है तो उसके लिए सोशोलॉजी जरूरी है क्योंकि सोशोलॉजी के थ्रू ही तो आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल रहा है यहाँ पे लोगों के फीमेल uh, की प्रॉब्लम्स क्या है मेल की प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में पता चल रहा है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में आपको पता चल रहा है ठीक है तो सोशोलॉजी की वजह से तो हो रहा है तो इसीलिए द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी इज ऑल्सो इसेंशियल इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी की अपने समाज को समझने के लिए इसकी जरूरत है और अपने समाज को अपनी सोसाइटी को हम समझेंगे इसकी प्रॉब्लम को हम समझेंगे तभी तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके डेवलपमेंट के लिए हम प्लानिंग कर सकेंगे योजना बना सकेंगे सोशोलॉजी हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स सामाजिक समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है तो समाधान में कैसे महत्व है तो सोशोलॉजी से तो हमें पता चल रहा है ना कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं तो जब आपको प्रॉब्लम्स पता चलेगी तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकोगे ठीक है तो सोशोलॉजी में सोशल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है सोशल एविल्स कौन कौन से हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है इन सभी चीजों की बात होती है ओके द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड सोशल प्रॉब्लम है समाज समाजशास्त्र के द्वारा ही सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदला है तो देखिए आज जैसे हमें पता चलता है कि जो सोसाइटी है इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है स्पेशली जो रूरल एरिया की हम बात करते हैं ठीक है छोटी बच्चों का शादी कर दी जाती है चाइल्ड लेबर चाहे हम बात करें चाहे हम चाइल्ड मैरिज की बात करें ठीक है तो इस तरह की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं सती प्रथा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है तो जब धीरे धीरे हम ये सोशोलॉजी सोसल, सब्जेक्ट जो हम पढ़ने लगे हैं हम सोशल स्टडी हम पढ़ने लगे हैं सोशोलॉजी पढ़ने लगे हैं तो इन सब्जेक्ट से तो हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चला अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला इसकी जो क्रूतियां हैं ठीक है जो सोशल एविल्स है इसके बारे में पता चला तभी तो हम जागरूक हुए तभी तो हम इस चीज के खिलाफ आवाज उठाने लगे कि नहीं ये चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए ये जो लड़कियों को उनके पति के शवों के साथ जला दिया जाता था ये चीजें गलत है तो जब हमें अपनी सोसाइटी के बारे में हमने जाना तभी तो हमने इसके विरुद्ध आवाज उठाई हमारा जो दृष्टिकोण है इन चीजों को लेकर बदला हमें कारण पता चला कि ये प्रॉब्लम्स क्या, क्या है इसके कारण क्या है ये सही है कि गलत है हमें इस सब्जेक्ट के थ्रू तो पता चला सोशोलॉजी के थ्रू तो पता चला तो हमारा दृष्टिकोण भी बदल गया नहीं अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हर किसी को स्कूल भेजो छोटी उम्र में बच्चों की शादी नहीं करो ठीक है चाइल्ड लेबर गलत बात है तो इससे हम अवेयर हुए तो इस सोशोलॉजी से तो हुए सोशोलॉजी हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्र का विशेष महत्व है तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोशोलॉजी में हमें सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में पता चल रहा है ठीक है सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल रहा है चाहे नेशनल है चाहे स्टेट लेवल पे है चाहे इंटरनेशनल है तो अगर आप हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम की बात करें तो कौन सी प्रॉब्लम है पॉवर्टी है ठीक है हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वोटर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है थीके? तो प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सभी जो राष्ट्र हैं मिलकर काम करें एक साथ आगे बढ़े एक दूसरे की हेल्प करें तभी तो इन प्रॉब्लम्स को खत्म किया जा सकता है तो इस सारी की सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्या हैं सॉल्यूशन क्या है तो कौन बता रहा है सोशोलॉजी समाज शास्त्र Sociology keeps us updated by providing information about द करेंट कंडीशन ऑफ द सोसाइटी कि समाज शास्त्र समाज की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी प्रदान करके हमें नवीनतम बनाए रखता है कि सोशोलॉजी से हमें अपनी सोसाइटी के बारे में पता चलता है इसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है किस तरह से है लोगों को किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है सोसाइटी में कौन सी चीजें अच्छी चल रही हैं सोसाइटी में जो एजुकेशन है जो बच्चों को एजुकेशन दी जा रही हो किस तरह की है लोगों को क्या सही से जॉब मिल रही है कितने लोग बेरोजगार हैं तो इससे हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है हम अपने सोसाइटी के बारे में अवेयर रहते हैं इसलिए कहा गया है कि सोशलॉजी प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन कि सोशोलॉजी से हमें अपनी सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम अप टू डेट रहते हैं ठीक है हैड मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनरिचिंग ह्यूमन कल्चर कि मानवीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में समाजशास्त्र ने महान योगदान दिया है क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है एक ऐसा विषय है जिससे आपको अपनी सोसाइटी के बारे में पता चल रहा है आपकी अपनी सोसाइटी का जो कल्चर है उसके बारे में पता चल रहा है आपकी कल्चर के क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पता चल रहा है हमारी सोसाइटी के क्या प्रॉब्लम्स है उसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं तो ह्यूमन सोसाइटी को ह्यूमन कल्चर को आगे बढ़ाने में अः सोशोलॉजी का जो योगदान रहा है बहुत ही ज्यादा रहा है ठीक है तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद